नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी को समर्पित अपनी लाइनें लिखी थी, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। तो अभी अनुदेशक और शिक्षा मित्र मसाले लेके निकल पड़े हैं और सरकार के सामने एक समस्या नहीं, एक बड़ा ब्रेक, बड़ा पैमाना तैयार है और वो है 2024 का। 2024 तक अगर ये मसाल अपना विकराल रूप ले लेती है, और 2024 में समय इसलिए नहीं बचा है कि दिसंबर में अधिसूचना जारी हो जानी चाहिए, मतलब दिसंबर का जनवरी में तो हर हाल में हो जाएगी। और चुनाव में सरकार, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा चुकी है, अन्य पार्टियां गई कि नहीं गई वो पार्टियां तय करेंगी, भारतीय जनता पार्टी को उसके पास सिर्फ और सिर्फ चुनाव और प्रचार इन्हीं सब दो तीन चीजों पर काम होता है, तो वो जा चुकी है। अन्य पार्टियां ना जाए तो अन्य पार्टियां तय करें। मई तक अगर मसाल ने लॉ पकड़ ली तो मई तक घोषणा हो जाएगी नए सत्र में कि शिक्षा मित्र अनुदेशक नियमित किए जाते हैं या फिर इनका वेतन, जो अश्विनी जैसे कह देते हैं अश्विनी मिश्रा जी कि वेतन तो मिलना तय माना जाएगा। लगातार इस सब चीज की बड़ी गंभीर चर्चा है। और जो अमरीश जी ने अभी कहा, आपके सामने दोनों मिनिस्टर मौजूद थे उनके साथ, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी और सिंह साहब, दोनों बहुत अच्छे मंत्री हैं। अगर उन्होंने बात ऊपर तक आपकी पहुंचा दी तो आपकी बात को कोई रोकेगा नहीं। लेकिन डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी ने भी कहा कि राज्य सरकार में केंद्रीय मंत्रियों का दखल कम होता है, अगर उनका विभाग का होता तो वो दखल दे लेते, लेकिन दखल तो यहाँ चुनाव है, चुनाव की मीटिंग है ये पटना में अभी, जिसमें दोनों केंद्रीय मंत्री अमरीश जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वो चुनाव की चर्चा थी और वो इसीलिए कम समय दे पाए। मैं विक्रम सिंह के पास आता हूँ, विक्रम सिंह कुछ कह रहे थे, फिर सुरेंद्र सर की बात सुनूंगा। विक्रम सिंह सर, जो लेटर आया इसमें यदि हम दो तीन लोगों का नाम न ले, आप सब तो सर मैंने अभी कहा कि हम लोग किताबों में पढ़ते थे भगवान के बारे में, लेकिन इस पैनल पे बैठे हुए सभी लोग वास्तव में भगवान के रूप है सर। और इसमें एक हमारी सुल्तानपुर की महिला अनुदेशक है, उनके पति वही शास्त्री विभाग में, शास्त्री भवन में काम करते हैं, जगनारायण सिंह जी, यदि हम उनका नाम न ले तो ये सर अन्याय होगा। और अपने साथी राम सिंह जी का नाम न ले क्योंकि उस ठंडी में, और उस नीलेश चतुर्वेदी की नाम न ले तो अन्याय होगा सर, क्योंकि इन लोगों ने 11 तारीख को यहाँ से हम लोग निकले और 12 तारीख को पूरा दिन भर आपने देखा सर जिस प्रकार से हम लोग 26 जनवरी की तैयारी चल रही थी, किस प्रकार से अनुनय विनय करके हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर गए। मेरा भी कोई लड़ाई नहीं है राम सिंह जी से, राम सिंह बहुत अच्छे अनुदेशक हैं और पूरा इस पूरे केस में एक मील का पत्थर साबित हुए हैं, कोर्ट की बेहद जानकारी है। और राम सिंह की वीसी एंड में नीलेश चतुर्वेदी जी ने तीनों अनुदेशकों की मेहनत निकला रही है, और जो आपके सरकारी अधिकारी इसलिए नहीं लूंगा, वो उनका सरकारी के कर्मचारी है, तो चूंकि उन्होंने आपकी अगर पिछले दरवाजे से मदद कर दी है तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और बिल्कुल लगे रहिए, निश्चित जीत मिलेगी। सुरेंद्र सर, आज केंद्र सरकार ने लेटर लिख दिया राज्य सरकार को, जवाब दीजिए, क्यों नहीं किया अब तक इनका काम? जी नमस्कार, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये हमें जानकारी भी इसकी नहीं थी, और दूसरा ये था कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। अरे सर, बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।